रजौरी अटैक से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट आपको बताएंगे, जहां पर हमने पहले ही बताया था कि इस वक्त एनआईए की टीम जो है उसी स्पॉट पर वहां पर मौजूद है और हर पहलू को जो है वहां पर खंगाला जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी तरह से की जा रही है। फिलहाल आपको बता दूं एक और बड़ा अपडेट कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी अनाउंस किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है उन तमाम मिलिटेंट्स की जानकारी देगा जो इस इंसिडेंट के पीछे इन्वॉल्व है, उसे जो है 10 लाख का रिवॉर्ड जो है वो दिया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं होगी, उसे सीक्रेट ही जो है रखा जाएगा। आप साफ तौर पर इस पोस्ट में भी देख सकते हैं जहां पर रिवॉर्ड ऑफ 10 लाख की घोषणा की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिलिटेंट शेयर करता है तो उसे जो है 10 लाख रुपए इनाम जो है वो दिए जाएंगे। जो डांगरी में ये वाक्य पेश आया है, एक टारगेट किलिंग जो वहां पर की गई, उस हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बड़ी घोषणा जहां पर 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है कि जो भी व्यक्ति उन तमाम मिलिटेंट्स की जानकारी देगा जो इस इंसिडेंट के पीछे इन्वॉल्व है या उससे जुड़ी हुई कोई जानकारी देगा, उसे जो है 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये जम्मू कश्मीर पुलिस डिस्ट्रिक्ट ने नंबर्स जो हैं वो जारी किए गए हैं, जो नंबर्स पर कॉल कर आप ये जानकारी दे सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करेगा उन मिलिटेंट्स के बारे में इस अटैक में, तो ही और शी जो है 10 लाख रुपए जो है उसे अवार्ड दिया जाएगा। और डिटेल्स ऑफ द इन्फॉर्मर की बात करें तो वो उसे सीक्रेट ही रखा जाएगा, यानी कि उसे रिवील नहीं किया जाएगा कि किसने ये बात दी है। और इससे पहले जिस तरह से हमने आपको बताया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ऑलरेडी क्राइम स्क्रीन सीन पर इस वक्त डांगरी गांव में मौजूद है, और इस पूरे मामले में बात करें तो पहले 4 सिविलियंस जो हैं इसमें मृत्यु हुई, और उसके बाद जब आईडी ब्लास्ट हुआ तो 2 माइनर चिल्ड्रन की भी इसमें मृत्यु हुई। और इस अटैक से काफी ज्यादा पैनिक जो है देखने को मिला, और हर कोई जो है इस अटैक के बाद जो है काफी ज्यादा सिचुएशन को लेकर जो है टेंस जो है वो नजर आया, क्योंकि इस तरह का वाकया रजौरी में पेश आया। और टारगेट किलिंग जो लगातार की जा रही है, जिस तरह से बताया कि उन व्यक्तियों घर में जब तमाम मिलिटेंट जो घुसे, जिन्होंने सबसे पहले उनके आधार कार्ड जो है वो चेक किए और उसके बाद जो है उन्हें टारगेट किया गया, तो इस तरह के वाक्य जो देखने को मिल रहे हैं वो शर्मनाक भी है। पर फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बड़ी घोषणा की, जो भी उन तमाम मिलिटेंट्स की जानकारी देगा, उनसे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन देगा जो इस आ, आ, के पीछे इन्वॉल्व है, उन्हें 10 लाख का इनाम जो है दिया जाएगा अगर कोई भी, और दिए गए नंबर पर जो है बताया गया है कि आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं अगर आपके पास मिलिटेंट से जुड़ी हुई जो कि इस टेरर अटैक जो कि ढांगरी विलेज में हुआ रजौरी की अगर कोई भी जानकारी से जुड़ी हुई मिलती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।